राजस्थान की धन्य धरा। आइए हम आपको ले चलते हैं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर। जोधपुर से कुछ ही दूरी पर तनावड़ा फाटा सालावास रोड स्थित मां पद्मावती नगर में अद्भुत अलौकिक जैन धर्म व सर्वधर्म की आस्था का प्रतीक विश्व की आन बान शान चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों के मन में आध्यात्मिकता व मानसिक सुख शांति का अद्भुत अलौकिक भाव पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे सभी दुविधाओं कष्टों व दुखों का निवारण हो गया हो। यहां 77 फुट विशाल गगनचुंबी कमल आकार में धवल संगमरमर का 2 मंजिला मंदिर व गुलाबी पत्थरों से निर्मित 108 कमल मंगल कलश व 109 मां साक्षात रूप से विराजित हैं। मंदिर में स्थित मूल नायक चंदन पार्श्वनाथ भगवान ऊपरी मंजिल में मां के मस्तक पर विराजित हैं, तो दूसरी तरफ मुख्य गंभारे में गौर वर्ण राजराजेश्वरी के रूप में महान चमत्कारिक प्रकट प्रभावी मातेश्वरी मां चंदन पद्मावती की प्रतिमा कमल आसन पर विराजमान है। इस पवित्र तीर्थ की निर्मात्री घोर तपस्विनी मां पद्मावती की परम इष्ट सिद्धि प्राप्त वास्तुचार्य ज्योतिर्विद प्रभु पथ शिरोमणि गुरु मैया चंदन प्रभाजी महाराज साहब आचार्य गुरु मैया के सुंदर अलौकिक तेज के प्रभाव व मुख दर्शन मात्र से ही भक्तों की आधी पीड़ा दूर हो जाती है। गुरु मैया के आशीर्वाद व चेहरे के दिव्य ओज व प्रभाव से संपूर्ण दुखों व कष्टों का निवारण हो जाता है। आज चंदन वाटिका संपूर्ण विश्व व भारत के सभी प्रांतों के जन जन की आस्था व श्रद्धा के बहुत बड़े तीर्थ के रूप में उभर रहा है। 12 वर्ष की अल्प आयु से आज तक गुरु मैया द्वारा किए गए जप तप अनुष्ठान सिद्धियों और तपस्या का ही चमत्कार है कि प्रत्येक माह की शुक्ल सप्तमी के पवित्र दिन विभिन्न दुखों से पीड़ित भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मां पद्मावती व गुरु मैया दोनों के नेत्रों व चेहरे से अमृत धारा बरसती है। गुरु मैया मां पद्मा के रूप में पूजी जाती है, इसीलिए भक्त अपने मन की कोमलता श्रद्धा आस्था और प्रेम से जब उन्हें निहारता है तो उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। मां पद्मावती का यह विश्व का प्रथम तीर्थ है। अपनी विशिष्टताओं के कारण इस तीर्थ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। यह तीर्थ श्रद्धा भक्ति और विश्वास का संगम है।
यहां जो भी मां के चरणों में नतमस्तक होता है उस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इस तीर्थ के दर्शन वंदन से मानसिक सुख शांति मिलती है, दुख व पीड़ा दूर हो जाती है। आइए हम आपको बताते हैं चंदन वाटिका में शुक्ल सप्तमी का विशेष महत्व। सन 1999 से चैत्र शुक्ल सप्तमी से लेकर आज तक हर माह की शुक्ल सप्तमी पर मां पद्मावती का महापूजन एवं प्रसादी का आयोजन होता है। इस दिन माता की चौकी लगती है। मां पद्मे के साक्षात रूप में गुरु मैया अपने सिंहासन पर बैठकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। भक्त हर शुक्रवार को मां का संकल्प पूर्वक चुनरी आह्वान करते हैं। वह गुरु मैया से मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शुक्ल सप्तमी के दिन एक नारियल व चुनरी ओढ़ाने मात्र से ही मां प्रसन्न हो जाती है। इस दिन गुरु मैया के दरबार में मैया अपनी दिव्य दृष्टि एवं चमत्कारिक सिद्ध हाथों से मस्तक पर वरद हस्त रखकर आशीर्वाद देकर भक्तों के जीवन का कायाकल्प करती है। वात्सल्य व करुणामय गुरु मैया द्वारा किए गए जप तप अनुष्ठान और तपस्या का ही चमत्कार है कि इस दिन भक्तों का उद्धार हो जाता है और उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दिन भक्त यहां हवन कुंड में मंत्रोच्चारण कर गट की आहुति लगाकर मां के नाम की 3 परिक्रमा भी देते हैं। जिन भक्तों की मनोकामना फलित होती है वे सातम के दिन 27 या 108 फेरी लगाते हैं। लगातार 7 शुक्ल सप्तमी की फेरी लगाने व पद्मावती चालीसा का वंदन करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बांझ औरत या जिन्हें बच्चा नहीं है उसकी गोद भराई से निसंतान को संतान सुख मिलता है। यहां लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। पंगु अपंग रूप में आते हैं और चल कर जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं गुरु मैया के चमत्कार, भक्तों के मन के उद्गार जो चंदन दृष्टि मासिक पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं। गुरु मैया ज्ञान के गहन अंधकार में भटके व्यक्ति के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। गुरु मैया की ओजस वाणी में शांति और प्रेम का शंखनाद गूंजता रहता है। मैया के पास आने वालों के भाग्य खुल जाते हैं, किस्मत के तारे चमकने लगते हैं और दुखियों का उद्धार होता है। गुरु मैया के कुमकुम पगलिए कराने से घर के वास्तु दोष का निवारण होता है, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है।
भक्तों की व्याधियों को दूर करने व जन सेवा के लिए हर शुक्ल सप्तमी पर मेडिकल कैंप में मुफ्त चिकित्सा व दवाइयां वितरित की जाती हैं। यहां पर बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आधुनिक सुख सुविधा युक्त चंदन अतिथि गृह है। इसके अलावा यहां भक्तों के लिए भोजन की निशुल्क व्यवस्था है। हजारों भक्तों के लिए एक बड़ी भोजनशाला का निर्माण भी किया गया है। साथ ही गुरु भगवंतों व साधु साध्वियों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था है। दूसरी तरफ जैन साहित्य व अनेकों धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए विशाल लाइब्रेरी है। आइए हम आपको चंदन वाटिका तीर्थ के अन्य रूप को दिखाते हैं। तो आइए अपने परिवार सहित महान चमत्कारिक 109 चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ विश्व का प्रथम कमल मंदिर शक्तिपीठ में आपका भव्य स्वागत है। विश्व का यह प्रथम महान चमत्कारिक अतिशय युक्त जन जन की आस्था का केंद्र, लाखों लाखों भक्तों का एक अटूट विश्वास, जिस क्षेत्र में आने से आदि व्याधि उपाधि का निवारण होता हो, मन को अटूट शांति मिलती हो, ऐसा पावन पवित्र महान चमत्कारिक 109 चंदन पार्श्वनाथ भगवान एवं 109 राजराजेश्वरी माँ पद्मावती का भव्य गगनचुंबी जिनालय विश्व का ये प्रथम इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पे स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है, गिनीज बुक में नाम दर्ज हो चुका है, फिर एक दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड और बढ़ने जा रहा है, वो है 109 चंदन पार्श्वनाथ भगवान। यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं, मन की मुराद लेके आते हैं, राज राजेश्वरी मातेश्वरी त्रिलोकेश्वरी जन जन की प्राणेश्वरी अति शीघ्र उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। पंगु आता है, सात सप्तमी वो माँ की फेरी लगाने से वो चल के जाता है। बांजन आती है, माँ को पुकारती है, सुनी गोद लेके आती है और उसके साथ में अश्रु भरे नयनों से वो माँ को अपना चरणाभिषेक करती है अश्रुओं से और कहती है, माँ मेरी गोद भर दे। माँ उस बहन की पुकार सुनती है और 12 महीने के बाद वो बहन बच्चे लेके आती है। इस प्रकार 2000 से ऊपर यहाँ सुनी गोद माँ ने भरी है। बच्चों की किलकारियों से उनका आंगन उनका परिवार आज चहक रहा है। कुल दीपक एक नहीं 2000 परिवारों को मिला है। इस प्रकार निर्धन आते हैं, दूसरी बार माँ के चरणों में अटैची लेके आते हैं। हर मुरझावा फूल आता है, लेकिन जाते टाइम उनके चेहरों पे जो खुशियां होती है, जो दिल के अरमा होते हैं, वो सुनने को देखने को अगर आप उत्सुक है तो चंदन दृष्टि पढ़िए, उसमें पूरा रिकॉर्ड मिलेगा कि किसके साथ कब कहाँ क्या घटित हुआ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये जन कल्याण का एक वर्ल्ड फेमस मंदिर बन चुका है। यहाँ ऐसी बहनों को
बेरोजगार बहनों को रोजगार दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ में ऐसा जो बच्चे हैं जो शिक्षा के अभाव में निर्धन हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, वो अनाथ आश्रम एक मधु बाल कल्याण आश्रम के रूप में यहाँ चल रहा है, और काफी बच्चों को यहाँ से शिक्षा, संस्कार, सेवा का सद्गुण भाव भरे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में आज के इस कलयुग में जो माता पिता की जो बच्चे परवाह नहीं करते हैं, और वो माता पिता वृद्ध अवस्था में बच्चों की देखभाल के अभाव में वो चिंतित रहते हैं, मायूस रहते हैं, उन वृद्धों के लिए अपना घर के नाम से एक आश्रम बना हुआ है, और वहाँ आकर के वो अपना जीवन यापन करते हैं। अंतिम वो अपना आश्रम, अपना जीवन वो मोक्ष के सर्व सुखों के रूप में साक्षात स्वर्ग सा सुख उसको उन लोगों को एक धाम में मिलता है। तो मैं आने वाले सभी भक्तों से कहना चाहूंगी कि ये देश का ही नहीं, ये वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड का प्रथम एक सबका अपना धाम बना हुआ है, जिसे कह सकते हैं ये हमारा धाम है। सर्व धर्म धाम के नाम से ये धाम उभर कर आया है। 12 साल की उम्र में मैंने संन्यास लिया, और माँ भगवती ने मेरे जीवन का रूपांतरण किया, मेरा कायाकल्प किया, और 12 साल से लेके 27 साल तक मैं 13 पंथ धर्म संघ की गौरवशाली मर्यादा में रह करके आचार्य श्री तुलसी के कर कमलों से संन्यास लिया, और उसके बाद गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैंने एक घन घोर भयानक जंगल में आकर के साधना की, माँ भगवती की आराधना की, भक्ति की। माँ ने मेरी प्रार्थना सुनी, और माँ ने एक विशेष दिव्य स्वरूप ये चीज मुझे दी। आज ये जो चीज मेरे हाथ में है, ये माँ का आसन दिव्य छड़ी के रूप में जन जन सब जानते हैं। ये एक ऐसी छड़ी है, बस इसके दर्शन मात्र से मन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और उसके साथ साथ में फिर एक अचानक भयानक मेरे स्तन कैंसर हो गया। डॉक्टर की राय से मैं हॉस्पिटल में गई, और यूं कहूं कि हॉस्पिटल में नहीं, मैं चिकित्सालय उस बेड पे सो गई। बस ऑपरेशन के कुछ घंटे ही अवशेष थे, माँ भगवती ने फिर मुझे जागृत किया, और फिर दिव्य दर्शन दे करके बगैर ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में गई हुई पुनः बिना ऑपरेशन वापस बाहर आई, और माँ की शरण ग्रहण की। मेरा कैंसर रोग भी बगैर ऑपरेशन ठीक हुआ। उसके बाद में मैंने एक संकल्प किया, मुझे साधना करनी है, ऐसी साधना करनी है। आज माँ भगवती मेरे जीवन का सहारा बनी, और उसने मेरा सब कुछ रूपांतरण कर दिया। तो अब मैं हर व्यक्ति के ऐसा निर्धन सभी व्यक्तियों को मैं सहारा बनूं, और बनकर के उनके जीवन में खुशियां लौटाऊं, ये मेरा उद्देश्य है। तिन्नाणम तारयाणम, तिन्नाणम तारयाणम, मैं तीरू औरों को तारूं, मेरे से जितना हो सके जगत कल्याण करूं, और इसी कार्य को लेके मेरा ये मकसद पूर्ण हो। मैं माँ भगवती से ये प्रार्थना